यूपी के बुलंदशहर में NH 91 पर पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार हाईवे के 4 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। गोली लगने से घायल हुए बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर से संवाददाता कपिल सिंह की रिपोर्ट। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 91 के किनारे एक आपराधिक सूचना थी, उसके आधार पर एक स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास पुलिस टीम के द्वारा किया गया और पुलिस टीम पर अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में 2 अपराधियों को गोली लगी, 1 स्कॉर्पियो और कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में असलहे आदि मिले हैं। जानकारी करने पर यह पाया गया कि एक बड़ा शातिर गिरोह है जो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा क्षेत्र से सवारी बना करके लोगों को बैठाता है और रास्ते में उनसे पैसे छीनकर उन्हें गाड़ी से नीचे फेंक देते हैं, और अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनका ATM लेकर के कोर्ट पूछ के धमका के पैसे ATM से निकाल लेते हैं। इस तरह दर्जनों घटनाएं इनके द्वारा किया जाना बताया गया है। आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो लगभग सभी के विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक लूट आदि से संबंधित गंभीर धाराओं के मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। इनके बारे में और गहराई से छानबीन की जा रही है। इनमें से 1 अभियुक्त अलीगढ़ का है, 1 गौतम बुद्ध नगर का है, 1 गाजियाबाद का है और 1 बुलंदशहर जनपद का है। चारों 4 जनपद के रहने वाले हैं।